हार्डी वेलकम टू वन एंड ऑल प्रेजेंट ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल टेक देखो। सोनी एक्सपीरिया एक्स डुअल स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है। इसकी प्री बुकिंग चालू हो चुकी है। आप इसे प्री बुक करना चाहते हो तो कंपनी की वेबसाइट से आप प्री बुक कर सकते हो ₹48,990। और आप अगर 2000 का बेनिफिट पाना चाहते हो तो इसे अमेजोन से आज ही प्री बुक करना पड़ेगा ₹46,990। दोस्तों, इसके साथ कंपनी कुछ गुडीज दे रही है, लेकिन उसका राज हम लास्ट में बताएंगे। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि आज का सेशन अपने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले जानेंगे कंपनी की हिस्ट्री के बारे में, फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस के बारे में, और लास्ट में करेंगे मुद्दे की बात। तो दोस्तों, जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि सोनी की हिस्ट्री सोनी से नहीं, इरिक्सन से चालू हुई थी। 2000 जो ईयर था उस टाइम पे इरिक्सन और नोकिया टाइप के मोबाइल्स हुआ करते थे मार्केट में। और ये जो इरिक्सन है और नोकिया है, ये अपने फीचर फोन के लिए चिप सोर्स करते थे फिलिप कंपनी से। 2000 के ईयर में फिलिप्स की जो कंपनी है उसका एक प्लांट में आग लग गई थी। तो उस टाइम पे फिलिप्स भाई साहब ने तो बोला कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको चिप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो जो टाइम था वो बढ़ता गया, चिप सोर्स नहीं हो पाए। नोकिया भाई साहब तो साइड में कट लिए, उन्होंने कहीं और से चिप सोर्स कर ली। लेकिन इरिक्सन का बहुत बुरा हाल चल रहा था उस टाइम पे, बहुत सारे लॉसेस थे उस टाइम पे। और इरिक्सन चाह के भी नोकिया टाइप के बजट हैंडसेट्स मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहा था। तो भी प्रॉब्लम वाली बात तो है, यानी आज आग लगी है, कल को कुछ और भी हो सकता है, प्रोडक्ट सोर्स कहां से करेंगे, प्रॉब्लम आ जाती है। तो इरिक्सन भाई साहब इधर उधर देखने लगे, कोई मिल जाए। उस टाइम सोनी उसको दिख गया। सोनी उस टाइम पे मोबाइल मैन्युफैक्चर करता था, लेकिन उस टाइम पे उसका मार्केट शेयर 1% के आसपास ही था। तो उस टाइम पे इरिक्सन ने 2001 में सोनी और इरिक्सन एक साथ आए, मर्ज हुआ और स्टार्ट हुआ सोनी इरिक्सन। उसके बाद तो आपने सोनी इरिक्सन के बहुत सारे मोबाइल्स भी देखे होंगे, लेकिन बहुत सारा टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा पूरे 2001 से 2010 तक। उसके बाद भी कितनी भी कोशिश करने के बाद भी उसका मार्केट शेयर बढ़ नहीं पाया। रीजन बहुत सारे थे, और 2012 एक ऐसा साल आया जब इरिक्सन भाई साहब साइड में कट लिए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर निकल गए और सोनी को रहने दिया इस इंडस्ट्री में। अभी भी सोनी बहुत टफ कंपटीशन फेस कर रहा है। बजट सेगमेंट में भी चाइना के जो न्यू कमर्स है वो लोग मार्केट पूरा खा चुके हैं, और प्रीमियम सेगमेंट में भी एप्पल है, सैमसंग है, उन्होंने तो बहुत बुरी हालत करके रखी है। तो दोस्तों, ये तो हुई हिस्ट्री के बारे में। एक और चीज मैंने सुनी है अभी थोड़े दिन पहले ही, कि सोनी ने ऐसा बोला है, और ये पता नहीं ये रियल फैक्ट है कि नहीं है, कि अगर 2016 तक ये प्रॉफिटेबल में नहीं आई कंपनी, तो हो सकता है कि ये कंपनी मोबाइल इंडस्ट्री से बाहर निकल जाए। खैर, वो तो जब होगा तब होगा। अभी मैंने कुछ फैक्ट्स देखे थे, उसके हिसाब से 2014 का अगर डेटा निकाला जाए तो सोनी का मार्केट शेयर 3% था, और एक साल बाद 2015 में वही मार्केट शेयर 1.5 के आसपास रह गया। अभी सोचो कितना टफ कंपटीशन सोनी फेस कर रहा है। तो दोस्तों, ये तो हुई हिस्ट्री की बात। सोनी एक्सपीरिया एक्स डुअल का स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो एक्सपीरिया एक्स डुअल एक ड्यूल सिम स्मार्टफोन है। इस स्मार्टफोन में आपको 5 इंच का फुल HD ट्राइल्यूमिनस डिस्प्ले दिया गया है, जिसका व्यूविंग एंगल और कलर प्रोडक्शन बहुत ही जबरदस्त है। फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का लो लाइट सेल्फी कैमरा है। ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन दिए गए हैं और बॉटम में फ्रंट फायरिंग स्पीकर ग्रिल है। राइट साइड में आपको एक डेडिकेटेड पावर बटन दिया गया है सबसे नीचे, जस्ट उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर है और जस्ट उसके ऊपर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। स्मार्टफोन के एजिस राउंडेड है ताकि हाथ में ग्रिप अच्छी रहे। बैक में इसका मेन हाइलाइटेड 23 मेगापिक्सल का एक्सोमर RS सेंसर का कैमरा है विद LED फ्लैश। इसके साथ आपको प्रिडिक्टिव हाइब्रिड ऑटो फोकस भी मिल जाता है एपिचर 2.0 के साथ। ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 650 प्रोसेसर पे रन करता है, जो कि एक हेक्साकोर प्रोसेसर है क्लॉक्ड एट 1.8 GHz, एड्रीनो 510 GPU के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में आपको मार्शमेलो एंड्रॉयड दिया गया है आउट ऑफ द बॉक्स। तो दोस्तों, मुद्दे की बात की जाए तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप कैमरा लवर्स हो, आपको एक अच्छा सा कैमरा चाहिए, तो आप जाइए ये स्मार्टफोन ले लीजिए। इस स्मार्टफोन के लिए आपको अप्रॉक्स 49,000 रुपीज का खर्चा करना पड़ेगा,
और इसमें आपको 23 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है। लेकिन आपको अगर कैमरा चाहिए ही तो 49,000 में आप एक अच्छा सा DSLR नहीं ले लोगे, पॉइंट। तो दोस्तों इसका सारे के सारे अगर हार्डवेयर की बात की जाए कैमरा को हटा के, तो कुछ भी इसके प्राइस को सजेस्ट नहीं करता। यानी कि कोई लेने वाला 49,000 आपको दे रहा है तो क्यों दे रहा है, उसके सामने उसको कुछ ना कुछ मिलना तो चाहिए। इसके प्रोसेसर की बात कर लीजिए, यानी कि Qualcomm Snapdragon 650 का प्रोसेसर दिया है। अब बताइए ये सेम टू सेम प्रोसेसर Redmi Note 3 में 10 और 12,000 में आराम से मिल रहा है, लेकिन नहीं, आप तो 49,000 रुपीस अप्रोक्स चार्ज कर रहे हैं स्मार्टफोन के इस प्रोसेसर के लिए। यार एटलीस्ट आपको Qualcomm का 800 सीरीज का तो प्रोसेसर दे देते थे, एटलीस्ट Qualcomm Snapdragon 820 तो बनता ही है, लेकिन क्या करें, सोनी है, नहीं दे सकते। इसकी बैटरी की बात की जाए तो 2620 mAh की बैटरी दी है। यार पूरा का पूरा मार्केट आप 3000 से 4000 mAh की बैटरी दे रही है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लोग है जो 5000 mAh की बैटरी भी दे रहे हैं। इस टाइम पे आप 2620 mAh की बैटरी दे रहे हो, ऊपर से ये और बोल रहे हो कि अप टू 2 days बैटरी चल जाएगी। हाँ तो ऑब्वियसली चलेगी, आपने 5 इंच का फुल HD डिस्प्ले दिया है, 5.5 दिया होता तो ठीक है, थोड़ा और खा जाता। प्रोसेसर एक मीडियम रेंज का प्रोसेसर दिया है Qualcomm Snapdragon 650, अगर 820 दिया होता तो वो भी बैटरी खाता, तब उसको मे बी 3500 mAh की तो बैटरी देनी पड़ती, लेकिन 2620 mAh की बैटरी दी है। अभी सारा का सारा हार्डवेयर इस प्राइस को सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता, यानी क्यों लेगा कोई बंदा, कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा है क्या? मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है लेने के लिए, तो हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट करता। यही एक रीजन है माइट बी कि इसके साथ कुछ गुडीज दी जा रही है। अप्रॉक्स 7000 का इसमें हेडसेट दिया जा रहा है, 3000 का सब्सक्रिप्शन दिए जा रहे हैं सोनी लाइव के और हंगामा के। भाई साहब आप ये सब क्यों दे रहे हो, आप प्राइस ही क्यों ना कम कर दो। अगर कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी लगेगा तो कस्टमर अपने आप ले लेगा। खैर दोस्तों मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपके जितने भी सोनी से रिलेटेड फ्रेंड्स हैं उन सभी फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए। जल्दी मैं लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड टू टेक देखो।